इलेक्टोरल बॉन्ड का 2019 का डेटा भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। इससे पता चल रहा है कि जेडीयू को 2019 में कुल 13 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। इनमें पार्टी को 10 करोड़ रुपए किसी अनजान शख्स से पहुंचा दिए गए थे और पार्टी का इस पे कहना है कि उन्हें कुछ पता नहीं चला। सभी के अपने दावे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक एनडीए में बिहार की 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा नहीं कर सकी है। भाजपा 17 और जेडीयू 16 और साथ ही साथ चिराग पासवान 5 सीटों का दावा कर रहे हैं। आज तय हो जाएगा कि कुनबे से कोई निकलेगा या नहीं। लालू यादव की एक और बेटी रोहिणी आचार्य भी इस लोकसभा चुनाव से राजनीति में एंट्री कर सकती है। अटकलें लगाई जा रही है कि लालू यादव रोहिणी को सारण सीट से उम्मीदवार बना सकते हैं। बता दें कि रोहिणी आचार्य अपने पिता के साथ सिंगापुर में रहती हैं और बीते साल ही पिता को अपनी किडनी देकर उनकी जान उन्होंने बचाई थी। दक्षिण कोलकाता के मीटिया ब्रिज में 5 मंजिली एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 13 लोग जो मलबे के नीचे थे उन्हें निकाल लिया गया है। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर पर चोट लगने के बावजूद घटना स्थल पे जायजा लेने पहुंची। बिहार में सोमवार सुबह की शुरुआत बेहद खतरनाक हादसे से हुई है। खगड़िया में हाईवे पर एक एसयूवी ने ट्रैक्टर को पीछे से बहुत ज़बरदस्त टक्कर मारी। इस भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को खगड़िया सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के म्यानगंज अस्पताल भेजा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। पार्टी का कहना है कि जब कोर्ट से सीएम को जमानत मिली है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है। उन्होंने ईडी को समन को अवैध बताया है। बता दें सीएम केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया था। यूट्यूबर एल्विश यादव के ऊपर एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई है। कानून के जानकारों के अनुसार सांपों का विष का कारोबार करने के आरोप में एल्विश के खिलाफ धाराएं बढ़ाई गई है। इनमें एनडीपीएस 8, 20, 27, 27 से 29, 30, 32 शामिल है। इन धाराओं के तहत अगर एल्विश यादव दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल तक की सजा हो सकती है। पुतिन ने कहा है कि रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन में अगर संघर्ष हुआ तो इसका मतलब ये है कि यह दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध में महज एक कदम दूर होगा और शायद ही कोई ऐसा परिस्थिति देखना चाहता है।